वेल टारगेट तो बहुत सिंपल से हैं, बस कंसिस्टेंसी पे ही मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टार्ट्स मिलते हैं उनको कन्वर्ट करूँ बड़ी इनिंग्स में। और इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि पहले से ज़रा बेहतर कंसिस्टेंसी आई हुई है। जो भी स्टार्ट मिल रहा है उसको सिर्फ एक में मैं जल्दी थोड़ा वो 94 पे आउट हुआ, उसके अलावा मैंने कन्वर्ट ही किया। तो कोशिश यही है कि बस एक सिंपल प्लान ले कर चलाऊँ कि बॉल टू बॉल और मेरिट पर उसको खेलें। वेल हमारा नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो एक सेल्फ बिलीफ है टीम को, और लड़कों का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग जेल इन हुए हैं इकट्ठे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। तो आई थिंक ये एक मेजर डिफरेंस है बाकी टीमों से। अगर आप कंपैरिजन करें तो हम लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन से कभी भी हम लोग नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते। जो भी सिचुएशन होती है उसमें हम लोग यही बिलीव करते हैं कि हम इससे कमबैक कर सकते हैं और जो भी सिचुएशन है वहाँ से हम मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि वो इसको ग्रैब करें, आके अपना लोहा मनवाएँ। और हमारे जितने भी यंगस्टर्स को, जितने भी हमारे बैट्समैन हैं, उन सबको, जिनको भी चांस मिल रहा है, मुनीर को आपने देखा लास्ट मैच में उसने 5 विकटें लीं, उसके अलावा नासिर नवाज़ ने 50 की अपने सेकंड मैच में, तो ओवरऑल वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना लोहा मनवाएं और इसी तरह इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। वेल देखें, अभी कल का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है दोनों टीमों के लिए। हमारी तो कोशिश यही होगी कि हमारे लिए जितना कम से कम वो लोग टारगेट सेट कर सकें, और हम लोग पिछली इनिंग में किया है जो राइट एरियाज़ को टारगेट करें, ज़्यादा राइट एरियाज़ में हिट करें बॉल, ताकि ईजी रन उनको ना दें, उनके ऊपर जितना हमारी लीड जब तक रहेगी उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि अपना राइट एरियाज को हिट करके उनकी विकेट ली जाए।